सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आज हम आपसे मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर बात कर रहे हैं, जिनकी कप्तानी टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में इस नए सीजन का पहला मुकाबला जो चेन्नई सुपर किंग्स के बीच था, वो मुंबई इंडियंस हार चुकी है। लेकिन अब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई इंडियंस के एक धाकड़ बल्लेबाज ने संन्यास लेने का निर्णय किया है, बेन कटिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है। इस बार बेन कटिंग को मुंबई इंडियंस की टीम ने 2.2 करोड़ रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है। ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इनके अंतर्राष्ट्रीय करियर पर गौर करें तो ज्यादा खास नहीं रहा है। बेन ने महज 7 एक दिवसीय और 4 T20 मैच ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए खेले हैं। T20 क्रिकेट, जिसे कि क्रिकेट का सबसे छोटा प्रारूप कहा जाता है, इसमें देते हुए नजर आएंगे। अगर आप IPL के फैन हैं और IPL 2018 की टीम और उससे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि IPL 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।